दोस्तों, YouTube चैनल अजयराम तिर्की में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने बचपन का जीवन दिखाना चाहता हूं। और मेरा बचपन का जीवन एक जंगल में व्यतीत हुआ, जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ। और जिन जंगलों में लेके जा रहा हूं दोस्तों, मैं उसी जंगल में बैल और बकरी चराता था, और वही बैल बकरी चराते हुए, गाय को चराते हुए मैंने अपने पढ़ाई को जारी रखा, और आज मैं एक टीचर हूँ। दोस्तों, जंगल का ये पहाड़ी रास्ता है, हम लोग इसी रास्ते में अपने गाय और बैलों को पहाड़ में ले जाया करते थे। दोस्तों, आज इसमें सड़क नहीं बना है और हम फोर व्हीलर में जाने का हिम्मत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारी गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। दोस्तों, रास्ता काफ़ी ख़राब होने के कारण हमें यहाँ अपनी फोर व्हीलर गाड़ी छोड़नी पड़ी और बाइक का इंतजाम करके हम आगे की ओर बढ़ चले। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह जंगल का रास्ता है, पहाड़ों में जाने का एकमात्र यही रास्ता है, और ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत दूर तक हम बाइक में भी नहीं जा पाएंगे, और बाइक भी हमें कहीं पर खड़ी करके आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, यही वो जंगल है, यही वो रास्ता है जिसमें हम अपने गाय और बैल को पहाड़ों में ले जा करके चराते थे। यहाँ पर हम लोगों ने बाइक को खड़ा किया, उसके बाद फिर आगे जाने के लिए। दोस्तों, आज से 50 साल पहले जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, रास्ता भीषण जंगल से भरा हुआ था। यहाँ दिन को भी घूमने में डर लगता था, दिन को भी जानवर मेरे बैल और बकरी को मार डालते थे, शेर और चीता का ये निवास स्थान था। दोस्तों, इसी जंगल में रह करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और इन दिनों जो मेरे दोस्त थे वो जंगल में रहने वाले लोग ही मेरे दोस्त थे। शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के महत्व को बताने वाला कोई व्यक्ति मिलता नहीं था, लेकिन फिर भी जब मैंने पहली बार स्कूल को देखा तो स्कूल जाने का ललक मेरे अंदर में पैदा हुई, और मैं स्कूल जाना शुरू किया और अपनी पढ़ाई को मैं जारी रखा। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं रेगुलर पढ़ाई केवल 11वीं तक ही कर पाया। उन दिनों 11वीं कक्षा ही हायर सेकेंडरी कक्षा कहा जाता था। दोस्तों, इस जंगल में मेरी कई ऐसी रोमांचक कथा है, कहानियां हैं, घटना है, जिसको मैं पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन एक घटना का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा जिसे आप देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, आज इस पहाड़ में
मेरे साथ मेरा बेटा अनुराग पूरा मेरा सहयोग कर रहा है पहाड़ घूमने में, वीडियो बनाने में। दोस्तों, इस पहाड़ की चोटी से आप सबको मेरा क्रिसमस एवं नए वर्ष की हार्दिक बधाई। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं शिखर पर, जहां पर आने के लिए मैंने काफ़ी संघर्ष किया, यात्राएं काफ़ी कठिनाई से करनी पड़ी, जंगल झाड़ और पत्थर के रास्ते, ढलान और चढ़ाई में ऊपर चढ़ते हुए हम यहां पहुंच चुके। दोस्तों, आज से 50 साल पहले हमारा इसी जंगल के बीच में घर था और एकलौता घर था। घर के चारों ओर दूर दूर तक कोई घर नहीं थे और ऐसे समय में रात को जंगल से जंगली जानवर आते थे और हमारे घर के अंदर में घुस जाते थे। दोस्तों, बड़ी मज़े की बात बताऊं, जब हम लोग रात के समय खाना खाते थे तो हमारे सामने में बिल्ली के समान आकर के शेर बैठ जाया करता था और हम उसे कुछ नहीं करते थे, छेड़ते नहीं थे, केवल उसे कुत्ते की तरह हट हट बोल देते थे और वो छोड़ के भाग जाता था। दोस्तों, ये शेर आदमखोर शेर हुआ करते थे, कई लोगों को इन्होंने काट करके उनका जान ले चुका था, लेकिन दोस्तों हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को इन्होंने कभी हानि नहीं पहुंचाया। शायद वो सोचता था मैं भी जंगल का हूं और ये भी मेरे जंगल के हैं और हमें एक दोस्त की तरह वह मानता था। दोस्तों, ऐसा कोई दिन व्यतीत नहीं होता था जिस दिन हमारी मुलाकात शेर, बाघ, भालू और अन्य प्रकार के जंगली जानवरों से ना हो। प्रतिदिन इन जानवरों से मुलाकात होता था, लेकिन मजाल है कि ये जानवर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी दिन जरा सा भी हानि नहीं पहुंचाया। दोस्तों, इस पहाड़ का नाम है भाई बहन और इस समय जिस चट्टान पर मैं खड़ा हूँ, इस चट्टान का नाम है रानी चट्टान। दोस्तों, यह पहाड़ छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में कांसाबेल विकास खंड के ग्राम सागी भौना, खार पानी और केनारार के करीब में है। मेरा गांव इसी जंगल के बीच में डबनी पानी के नाम से जाना जाता था और आज भी इसे डबनी पानी के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, उस समय एक पत्थर डबनी की तरह यानी ढक्कन की तरह एक चट्टान के ऊपर लगा हुआ था और उसके अंदर कभी पानी सूखता नहीं था, इसी कारण इसका नाम डबनी पानी पड़ा और आज इसका नाम डबनी पानी है।
मेरे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, उन दिनों शिक्षा के महत्व को बताने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता था। हमारे पूर्वज उस समय के माता पिता कहा करते थे कि खेती बाड़ी का काम सीखो, हल चलाना सीखो, मिट्टी खोदना सीखो, मिट्टी ढोना सीखो, इसी में तुम्हारा जीवन गुजरेगा और यही काम करके तुम अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करोगे। दोस्तों, शिक्षा का महत्व को बताने के लिए एक भी व्यक्ति गांव में मौजूद नहीं हुआ करता था, लेकिन स्व प्रेरित होकर के अपने से बड़े लोगों को देख करके हमने भी स्कूल जाना शुरू किया और स्कूल का महत्व को जाना और आज मैं प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं उन्हें अपना दोस्त कह रहा हूँ जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। पहाड़ों की ऊंचाइयों को देखकर मत डरो, पहाड़ों की ऊंचाइयों को देखकर मत डरो, चढ़ो फिर गिरो, फिर चढ़ो फिर गिरो, हजार बार चढ़ो हजार बार गिरो, एक दिन समय आएगा आप पहाड़ के ऊपर होंगे और पहाड़ आपके पैरों के नीचे होगा। दोस्तों, अपने परिस्थिति के पहाड़ों को देखकर मत डरो, ये पहाड़ आपके लिए एक दिन छोटा हो जाएगा। जब आप शिक्षा के महत्व को जानेंगे और अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे और बच्चा जब पढ़ेगा तो बढ़ेगा और एक दिन सचमुच आपके गांव का, आपके परिवार का एक सम्मानित और सज्जन व्यक्ति और पैसा वाला व्यक्ति हो जाएगा। दोस्तों, यह एक खूबसूरत जगह है। यहाँ गांव वाले पिकनिक मनाने आते हैं और पिकनिक स्पॉट के रूप में इस गांव के लिए प्रसिद्ध है। आप यहाँ आएंगे, आपको झरने का पानी और पहाड़ की हरियाली और पहाड़ों की ढलान और बड़ी बड़ी चट्टानें आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दोस्तों, इसी पहाड़ में एक बार मैं अपने दो दोस्तों के साथ घूमने आए थे और हम लोगों की मुलाकात अचानक से तीन भालुओं के साथ हो गई और वो दोनों दोस्त मुझे छोड़कर भाग गए और मैं अकेला उन भालुओं के बीच में रह गया। भालू मुझे चारों ओर से घेर कर मेरे चारों ओर घूमने लगा और मैं डर गया, लेकिन हिम्मत करके मैंने पत्थर उठाया और चट्टान पर पटक दिया, जिसकी आवाज सुनकर भालू वहां से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब कांसाबेल से निकलेंगे तो शांति नगर होते हुए आप केनाराड बस्ती में पहुंचेंगे। केनाराड बस्ती पहुंच करके आप, मेरे दोस्त, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और कल यहाँ पर नए वर्ष के उपलक्ष्य में गांव वाले पिकनिक मनाने यहाँ पर आते हैं।